हाय गाइस, आई एम अनीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनीश राइटर मिश्रा। तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग अभी निकले हैं दोस्त लोग के साथ घाटशिला का साइट सीन घूमने के लिए। एंड जिन लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है उन लोग को मालूम है, जैसे कि मैं लास्ट डे इवनिंग को घाटशिला में एंटर किया हूँ पुरुलिया से। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरा कोलकाता टू पुरुलिया एंड पुरुलिया टू घाटशिला आने का जो बाकी वीडियोस है वो जाइए देखिए। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा वो वीडियोस। सो यहाँ से और थोड़ा सा जाके हम लोग को धारागिरी वाटरफॉल्स मिल जाएगा, बट एक दिक्कत है, यहाँ का जो लोकल आदमी लोग है वो बोल रहा है कि आगे और बाइक नहीं ले जाने के लिए। बट मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार बाइक जाएगा या नहीं, अगर चल जाएगा तो मैं बाइक ले जाऊंगा। बाबू झरना किधर है? अच्छा देख रहे किधर सीधा। एंड ये लोग भी सेम बोल रहे हैं बाइक मत ले जाइए। वो जो लिफ्ट वाला जगह है यहाँ से पैदल जाने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ से बाइक तो नहीं जाएगा क्योंकि पतला लकड़ियों से बाइक कभी भी नीचे गिर सकता है। तो जाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट साइड में पूरा बड़ा गड्ढा है। ये गड्ढा एक्चुअली बनाया जाता है क्योंकि उस पार से इस पार कोई हाथी या जंगली जानवर आ ना सके। माय गॉड, बहुत ही मुश्किल है यहाँ से बाइक ले जाना क्योंकि एक साइड में पूरा गड्ढा और एक साइड में ज़मीन बहुत ऊंचा है। मैं सही से पैर भी नहीं रख सक रहा हूँ, फिर भी कोशिश करते देखते यहाँ तक आ गए हैं। जब हार तो मैं नहीं मानूंगा, नीचे तक बाइक उतार के ही रहूँगा। बस बस गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। ओह माय गॉड, अपने पाप। और थोड़ा सा। हाँ ये लीक गार्ड लग रहा है। तो यहाँ मैं गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इग्निशन ऑन रहने तो फिर क्लच व्लच दबाना पड़ेगा। और धीरे धीरे उतरने का कोशिश करता हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। और लगभग हो गया, लगभग हो गया। और थोड़ा सा। हाँ, हो गया। और थोड़ा सा। ओ माय गॉड, ओ माय, ओह ओह, गाड़ी के नीचे का पार्ट लग गया जमीन में। आई होप कोई डैमेज ना हो, गाड़ी बंद ना हो जाए। इस जगह पे गाड़ी बंद हो गई तो खत्म। चलो चालू हो गया। ओह थैंक गॉड, चलो फाइनली जाके उतर लिया हूँ। अब यहाँ गाड़ी रखते हैं और दोस्त लोग को बुलाते हैं। वो लोग अभी भी चाय पी रहे हैं क्योंकि डोमिनर तो वहाँ ही छोड़ दिया है रोहित, वो लोग पैदल आएगा यहाँ। हम लोग जो फॉल्स के तरफ जा रहे हैं, देखिए ये अंदर बहुत बड़ा गर्त है, तो बांस का ऊपर चढ़ना पड़ेगा, गड्ढा है। तो हम चारों है हाँ। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन क्या करेंगे यार, घूमने के लिए, घूमने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। माउंटेन ड्यू एक्चुअली यहाँ कोई बाइक भी नहीं लाया है, डोमिनेट जो था हम लोग का वो उधर पार्क करके है। मैं थोड़ा ज्यादा ही रिस्क लेके ला तो दिया हूँ ये वाला साइड का रोड से, लेकिन चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। पूरा घना जंगल है भाई। ये जगह से लाके यहाँ से होके यहाँ से उतार रहा हूँ, देखने में शायद इजी लगता होगा बट उतना इजी था नहीं। जस्ट हैव अ लुक गाइस। एंड वापस से मैं अभी बाइक पे आ चुका हूँ और जितना दूर बाइक जाता है ले जाते हैं, फिर बाइक को रख के पैदल वो फॉल्स तक जाएंगे। एंड मेरा दोस्त लोग पैदल आ रहा है क्योंकि इस जगह पे तो डोमिनर लाना पॉसिबल ही नहीं है। बट गाइस ये रोड नहीं है, ये क्या है क्या पता, ये पैदल चलने का रास्ता है। उस पर मैं किसी भी तरह से बाइक को ले जा रहा हूँ।
और बार बार मैं जितना बार एक्सीलरेटर कर दे रहा हूँ, गाड़ी का पीछे का व्हील जो है घूम रहा है, क्योंकि पूरा छोटा मोटा पत्थर से घिरा हुआ है। और यहाँ अभी एक पेड़ गिरा हुआ है। अरे इतना डेंजर रोड से आ गए तो ये पेड़ कौन सा बड़ा बात है। और गाइज आप लोग चारों तरफ का जस्ट व्यू देखिए, पूरा जंगल और बीच से हम लोग जा रहे हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। एंड अभी तक का ये मेरा सबसे डेंजरस ऑफ रोड है। ओ माई गॉड। तो बिहारी नाथ जाते वक्त हम लोग को एक ऑफ रोड मिला था, बट वो इसका सामने शायद 1% भी नहीं है। ओ माई गॉड। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ गिरा तो सर तो जरूर फूटना है, क्योंकि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। और लगता नहीं है ज़्यादा दूर तक बाइक ले जाना सही रहेगा, तो देखते हैं, यहाँ ही रोक देते हैं बाइक को, फिर पैदल चलते हैं। बाप रे, यहाँ तक बाइक लाना बहुत डेयरिंग था, बट ठीक है, उतना स्किल है मेरे पास। तो अभी पैदल चल रहे हैं, बस सामने ही है वो फॉल्स, और पूरा घना जंगल देखिए गाइस आप लोग, जस्ट पूरा जंगल का भीतर है अभी हम लोग। फाइनली गाइज इतना स्ट्रगल के बाद पहुंच गए हैं हम लोग धारागिरी वाटरफॉल्स में। वाओ कितना शांति है ये जगह में। पानी थोड़ा सा गंदा है, और कोइंसिडेंटली उधर जो बंदा लोग बैठा हुआ है वो भी हम लोग का वेस्ट बंगाल का है, मतलब हम लोग का घर का नज़दीक का ही सब। तो अच्छा हुआ भेंट हो गया। तो कुछ देर रिलैक्स करने के बाद फिर से निकल चुके हैं, क्योंकि ये जो जगह है माओवादी लोग का जगह है, एक टाइम में यहाँ बहुत माओवादी रहता था, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जल्दी से निकल जाते हैं। और अभी भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये रोड से बाइक उतारना शायद थोड़ा सा इजी था, बट ये रोड पे बाइक चलाना, ओ माई गॉड। अरे बाबा उठची तो ना, चाकाटा घूड़े अच्छे। तो जैसे कि मैं कह रहा था गाइस, अब जो है फटने वाला है। जस्ट नाउ मैं अभी गिरते गिरते बचा, अच्छा है दोस्त लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी फिर वापस से वो डेंजर वाला जगह से बाइक उठाना पड़ेगा यहाँ से। ले गया छ ডান দিকে আড্ডি আছে, তুমি নিচে নামো না, তোমায় বলছি যেটা। দাঁড়াও 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 অনিশা দাঁড়াও অনিশা দাঁড়াও প্যাডি যেখানে আছে তুমি ভিডিও করো, তুমি ধরো আমি বলছি ভিডিও করো। আসো আসো আসো, কিচ্ছু হবে না, আসো না, এই ট্রায়ালটা অনেক। একদম সোজা বেরো, কিচ্ছু
হ্যাঁ অনিশা একটুখানি চাকাটা ইয়ে করাও, অনিশা চাকাটা একটু এইদিকে করো, চাকাটা এইদিকে একটু মুখ করো, হালকা হালকা ঘোরাও, এবার টান দিয়ে ঘোরাবে। এবার এবার স্টার্ট দাও, এবার স্টার্ট দাও, এবার স্টার্ট দাও, বেরিয়ে গেছো, এবার এবার শুধু স্টার্টটা দাও, বাস বেরিয়ে গেছে। দাঁড়া দাঁড়া, ওর পা আটকে গেছে। गाइस अभी जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था और वो वाला सीन वापस से देखा, तो जस्ट उस वक्त जो मेरा फीलिंग्स हो रहा था अंदर, लिटरली बता रहा हूँ, फट के हाथ में आ गया था। क्योंकि उस रोड में उतार तो लिए थे बहुत इजीली, बट चढ़ाने का वक्त बार बार गाड़ी का जो नीचे का जो बेस है वो मिट्टी का उस जगह पे लग रहा था, जितना बार लग रहा था वो उसका इफेक्ट हो रहा था मेरा हार्ट में, टिक 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 टिक। इस जगह से मैं सचमुच बाइक चढ़ा सकूंगा भी ये नहीं, ये एक डर भीतर भीतर हो रहा था। तो फाइनली बहुत दिक्कतों से, जैसे आप लोग देखे वीडियो में, बहुत दिक्कत का बाद जाके बाइक उठा। और थैंक्स थैंक्स मेनी मेनी थैंक्स वो प्राणेश, पीकू और मेरा दोस्त रोहित को। उन लोग अगर नहीं होता उस वक्त तो मैं अकेला रहता तो कभी उस जगह से गाड़ी नहीं चला सकता बाइक, क्योंकि मेरा अंदर डर लग रहा था अगर लेफ्ट साइड में गिर गया तो पूरा नीचे चल जाऊंगा, मतलब नीचे एक बड़ा बड़ा गड्ढा था, आप लोग तो देखे होंगे वीडियो में। और दूसरा साइड जो था वहाँ पेड़ था एक, मतलब पूरा पैर मुझे उठा के रखना पड़ रहा था, अच्छा से पैर मिट्टी पे अगर रख ही नहीं सक रहा था मैं, अगर पैर रख सकता सही तरीके से तब तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी उठा लेता, बट फट के हाथ में आ गया था गाइस। बट जो भी हो, बहुत मजा किए, तो चलिए फिर वीडियो पे। तो वो खतरनाक वाला जगह से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बुरुडी डैम के ओर, क्योंकि इतना थक गए हैं, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, तो थोड़ा सा नहाने का प्लान है डैम का पानी में, पानी अगर साफ रहा तो नहा लेंगे। और अभी मैं पीछे बैठा हूँ, प्राणेश गाड़ी चला रहा है और मेरा और एनर्जी नहीं है गाड़ी चलाने का, पूरा हालत ख़राब हो गया है, बैंड बज गया है मेरा वो रोड पे बाइक चलाने का बाद। तो ये गाइस आ गए हैं हम लोग डैम में, बट यहाँ से नहाने के लिए उतर नहीं सकते क्योंकि आसपास में बहुत लोग हैं। तो जाते हैं उस पार और कपड़ा उपड़ा उतारते हैं और पानी में ड्राइव मारते हैं। सॉरी गाइस, क्योंकि जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज करके हम लोग को निकलना था, क्योंकि शाम होने से पहले होटल पहुंचना था और अगले दिन सुबह फिर हम लोग को जल्दी जल्दी करके निकलना था कोलकाता के लिए। फाइनली इतना दिन बाद हम लोग घर लौटते, तो बहुत मस्ती किए हम लोग ये टोटल ट्रिप में, फिर कोलकाता टू पुरुलिया एंड पुरुलिया टू फिर घाटशिला, बहुत मज़ा हुआ, बहुत मज़ा किए। मेरा तो ये मतलब फर्स्ट टाइम इतना अच्छा टूर रहा। तो गाइस आई होप आप लोग भी पूरा मेरा सब वीडियो देखे होंगे ये सीरीज़ का, और आप लोग का अच्छा लगा होगा। तो नया चैनल है गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं तभी मैं
और आगे बढ़ पाऊंगा और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूंगा। आई नो गाइस, मेरा भी थोड़ा सा कुछ कुछ गलती हो रहा है क्योंकि नया मैं अपना ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, तो सॉरी गाइस वंस अगेन। सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।